खुशी के मौके पर हर इंसान के लिए नाचना झूमना एक आम बात है, लेकिन सोचिए अगर कोई बिना कारण ही ऐसा करने लगे तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बेवकूफाना या फिर पागलपन भी लग सकता है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही विचित्र घटना है। करीब 500 साल से पहले की वो घटना जिसमें बिना वजह लोगों के नाचने और हंसने ने लोगों को हैरत में डाल दिया। इतना ही नहीं, ये रहस्यमय घटना जिसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया, ये 400 लोगों की मौत का कारण तक बनी थी। तो आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको इसी विचित्र घटना की पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आखिर ये डांसिंग प्लेग क्या था और कैसे शुरू हुआ। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। डांसिंग प्लेग क्या था, कैसे शुरू हुआ? दरअसल बात 1518 की है, जब फ्रांस डांसिंग प्लेग नामक बीमारी का शिकार हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महामारी थी जिसमें लोग नाचते नाचते मौत के शिकार हो गए थे। ये घटना इतिहास की रहस्यमय घटनाओं में आती है जिसे अब तक कोई नहीं सुलझा पाया है। कहा जाता है कि 500 साल पहले फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक युवा लड़की रहा करती थी। एक दिन पता नहीं उसे क्या हुआ, उसके हाथ पैर हिलने लगे और वो नाचने लगी। महिला नाचने में इतनी मग्न हो गई कि वो डांस करते करते बाहर आ गई। सड़क पर उसे यूं नाचता देख बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते उसे देख बाकी लोग भी नाचने लगे। वो बिना रुके लगातार नाचते रहे। बात यहाँ तक आ पहुँची कि नाचते नाचते 34 लोग मर गए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि फ्रांस में अचानक आई इस बीमारी से प्रतिदिन लगभग 15 लोग मारे जाने लगे। कई इतिहासकारों ने इस घटना का जिक्र भी किया है। अगस्त 1518 के अंत तक करीब 400 लोग इस पागलपन का शिकार हो चुके थे। वहीं इस रहस्यमयी डांस की घटना को डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। कई लोग इस घटना को भूत प्रेत से जोड़कर भी देख रहे थे। हालांकि वहीं दूसरी ओर जानकारों ने इसे महामारी घोषित किया। कई चिकित्सकों द्वारा इसे मानसिक रोग भी बताया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि यूरोप में एक ऐसी बीमारी फैली थी। सबकॉन्शियस की कंडीशन। डांसिंग प्लेग को कुछ लोग कलेक्टिव हिस्टीरिया भी मानते हैं। ये मुमकिन है क्योंकि 1518 में स्ट्रासबर्ग के गरीब भूख, बीमारी और आध्यात्मिक निराशा से जूझ रहे थे। ये कंडीशन उन्हीं लोगों में होती है जो कि दिमागी तौर से काफी परेशान रहते हैं या फिर आध्यात्मिक तौर पर ध्यान की अवस्था में होते हैं। स्ट्रासबर्ग में स्थितियां कुछ ऐसी ही थी। वहां के गरीब लोग दिमागी तौर पर परेशान थे, सूखे की समस्या और कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। ऐसी कई बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं ये बीमारी लोगों की अवचेतन मन की एक अवस्था भी हो सकती है। डांसिंग प्लेग का मॉडर्न एनालिसिस। जहां डांसिंग प्लेग को उस वक्त लोग अभिशाप का डर मान रहे थे, जिसका डर लोगों को अवचेतन में धकेलने में कामयाब हो सकता है और एक बार ये हो जाता है तो लोग दिन रात नाचते रहते हैं। वहीं 1800 दशक में मेडागास्कर में दर्ज इस विचित्र बीमारी को लेकर आधुनिक समझ पैदा हुई, जहां इसे टाइग्रेटियर कहा जाता था और ये सैकड़ों को संक्रमित करता था। उस समय की स्कॉटिश चिकित्सक एंड्रयू डेविडसन ने 1867 में एक रिसर्च पेपर में सुझाव दिया था कि ये रोग एक मनोवैज्ञानिक बीमारी, धार्मिक अंधविश्वासों और उस समय की कठोर सांस्कृतिक कल्पना से जुड़ी थी। आखिर में ये ही कि कई महामारी जैसी बीमारियां पहले भी आ चुकी हैं, बस हमें इनसे बचकर निकलने की जरूरत है। फिलहाल हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।